अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये जो फलों सब्जियों के छिलके आप देख रहे हैं, ये मैंने नया ग्रो बैग फिल करने के लिए इकट्ठे किए हैं पिछले 2-3 दिन में। तो इसको इस बकेट में भर देंगे ताकि मक्खियां मच्छर इस पर ना बैठें और मक्खियों मच्छरों और उड़ने वाले कीड़ों को रोकने के लिए इसके ऊपर मिट्टी की लेयर डाल देंगे। तो ये देखा, छोटी बकेट में भी मैंने मिट्टी डाल दी है और बड़ी बकेट में भी इसी तरह मिट्टी की लेयर डाल देंगे। उससे ये होगा कि उड़ने वाले कीड़े वगैरह इस पर नहीं बैठेंगे, मक्खियाँ वगैरह पतंगे। तो इसको हम गुडाई कर देंगे क्यारी को, मिट्टी में ये छिलके वगैरह मिक्स हो जाएंगे, गल सड़ के ये कंपोस्ट बन जाएंगे। तो ये है जी नया ग्रो बैग, काफ़ी अच्छा स्टफ है और इसका डायमीटर तकरीबन 13 इंचेस तक है। इसमें एक ड्रेनेज होल भी है नीचे, ये बॉटम में आप देख सकते हैं। इसको हम फिल करेंगे जी। तो ये है जी बैग पत्तों की खाद का, ये दोनों बकेट्स तो मैंने फिल की। तो ये पत्तों की खाद दराज से मंगवाई थी, तो कढ़ाई में मट्टी है गमलों की और वो जो वाइट वाइट चंक्स आप देख रहे हैं वो अंडों के छिलके हैं। तो ये पूरी बकेट इसमें जाएगी ऐसे, उसके बाद अंडों के छिलके और उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी के लेयर डाल देंगे। एक छोटी बकेट भी इसमें जाएगी ऐसे ही, इसमें थोड़े और छिलके डालेंगे। अब इसके ऊपर अंडों के छिलकों की लेयर और मिट्टी और अंडों के छिलके मिक्स करके, ये सब कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज होकर फर्टिलाइजर बनेगा। काफ़ी बड़ा ये ग्रो बैग है, इसमें काफ़ी सारी मिट्टी मुझे डालनी पड़ेगी। तो ये ग्रो बैग फिल हो गया है जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की है, ये ग्रो बैग को मैंने पीछे कर दिया है और ये टब जो है रेड कलर का आगे ले आया हूँ। इस पर ये ग्रिल लगी है, इसकी वजह से मुर्गियाँ इसको ख़राब नहीं करेंगी और ना इसकी वजह से वो उस ग्रो बैग तक पहुँच सकेंगी, क्योंकि मुर्गियाँ मिट्टी निकाल देती हैं ग्रो बैग में से। फिर आप देख रहे हैं मेरे पास दो और तीन ये ग्रो बैग मज़ीद है मेरे पास, तो तीन ग्रो बैग्स को भी मैंने फिल करना है, वो मैं उसके लिए कल वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं मिट्टी तैयार नहीं कर सकता क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं है, देख सकते हैं। अभी तो बारिश कोई खास नहीं हुई लेकिन किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, और मैं सारी मिट्टी वगैरह और वो नेचुरल फर्टिलाइज़र वगैरह बिखेर कर नहीं बैठ सकता इस वक्त। तो ये तीनों ग्रो बैग जो आप देख रहे हैं इनको मैं कल फिल करूँगा, कि इस वक्त तो आप देख रहे हैं ये हल्की फुल्की सी बारिश हुई है, नज़र आ रहा है सारा फर्श गीला गीला, पूरा बादल भी देख लीजिए। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।